हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परवल की सब्ज़ी। सबसे पहले इसका मैं मसाला करूँगी रेडी। इसमें है प्याज, लहसुन, टमाटर और दो हरी मिर्च। तो मैंने इसको अच्छे से पीसना है, तो चलिए मैं इसको जो है ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है मसाला सब इसका रेडी हो गया है, और ये पेस्ट बन के हो गया रेडी जो मैं मसाले में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल हो गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा छोटी चम्मच, एक चम्मच है। अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था। और अच्छे से अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पूरे मसाले और जो मैंने बनाया था घर का पेस्ट, और किस तरीके से पूरा कलर हो गया है और बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आ गया फ्रेंड्स। और पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो आलू और परवल दोनों को ही मैंने उबाल के ही बनाया है अलग तरीके से। तो मुंह में जाके वो होता नहीं है, उसका बीज ही लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी ये सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ एक बार ऐसे बना के देखिए, फिर आप लोग फिर ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मसाले हो रहे हैं तैयार। मैं इसमें डालूँगी अब हल्दी। तो हल्दी मैंने एक चम्मच डाला है, तो छोटा चम्मच ही नॉर्मल। और मैं इसमें डालूँगी सब्जी मसाले। मसाले डालूँगी अभी फ्रेंड्स, गरम मसाले डाल रही हूँ दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से मैं इसको मैश करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। मसालों में सिर्फ छोटा चम्मच, एक चम्मच सब्जी मसाला और छोटा चम्मच, आधे चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच। और उसके बाद अच्छे से इसको मैश करना है जब आपके मसाले हो जाए रेडी। तो परवल देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर उबाली हूँ। तो आप भी उबाल के पहले से ही रखेंगे और फोड़ के, मैंने इसका जो है हाथ से ही फोड़ा है ये आलू, छोटे छोटे टुकड़ों में किया है। और ये डाल दी हूँ मैं इसमें परवल, और मसाले और जो परवल है दोनों को अच्छे से मैश करना है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल इसमें पता नहीं चल रहा है कि यार इसमें परवल है, आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं डालूँगी आलू। तो इधर जा रहा है सब्ज़ी में आलू, और कलर भी बहुत ही बढ़िया है इसका। तो अच्छे से इसको मैश कर देना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे सब्जी मारी जो है पूरा अच्छे से आलू और जो इसका परवर था सारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अभी हम जो है इसमें डालेंगे पानी। टेस्ट अकॉर्डिंग आप पहले डालेंगे इसमें नमक। तो फ्रेंड्स, इसमें नमक हमने अपने टेस्ट के अनुसार डाला, और आप भी अपने अनुसार डालिए टेस्ट अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा जैसे बनाएं। फिर हम इसमें डाले हैं पानी। तो अभी पानी आप लोग देख सकते हैं मैंने भी कम डाला है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी पानी थोड़ा सा जो है हम और मिलाएंगे, क्योंकि ये मैं शाम की सब्ज़ी बनाई हूँ तो मैं चावल भी बनाई थी। और आप अगर रोटी से खाएं तो कम पानी डालें। हाँ तो पानी मैं इसमें इतना मिलाई थी फ्रेंड्स, थोड़ा पानी और मैं जिसको मैं ढक दे रही हूँ, और मैं इसको अच्छे से होने दूँगी। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है, तैयार हो गई है, और कितनी गाढ़ी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। और आप किसी को भी खिलाएंगे तो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। एक मिनट मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी सब्ज़ी इसकी बनी है, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी फ्रेंड्स। तो मेरे पास अभी आज तो धनिया नहीं थी तो मैंने नहीं डाला, बाकी हम धनिया उन्हें डाल के बनाएंगे तो और भी अच्छी सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी सब्ज़ी मैं सबके लिए बनाई हूँ घर के लिए,
तो मैंने बनाया था गरम गरम चावल सब्जी रोटी, आप लोग देख सकते हैं।